जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं एग्जाम के बारे में। आपने हजारों लाखों क्वेश्चनों को याद करने के बाद एग्जाम तो दिया ही होगा। आखिर एग्जाम क्यों देना पड़ता है, किसने की थी एग्जाम की खोज, कहां पर पहली बार एग्जाम दिया गया था, एग्जाम को खोज कब हुई थी, इसी के बारे में बात करते हैं। पूरा वीडियो को देखिए शुरू से लेके एंड तक। लगभग हर छात्र को एग्जाम देना ही पड़ता है, फिर चाहे वो स्कूल का हो या यूनिवर्सिटी का हो या फिर किसी जॉब को पाने का हो। पहले छात्र पूरे वर्ष अध्ययन करते थे और अगले साल दूसरी कक्षा में पास हो जाते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो साबित कर सके कि छात्र ठीक से पढ़े या नहीं। इसी की जांच करने के लिए सर हेनरी फिशेल ने एग्जाम की खोज की थी। सर हेनरी फिशेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में एग्जाम की खोज की थी। अगर बात की जाए कि सबसे पहले एग्जाम की शुरुआत कहां से हुई, ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार प्राचीन चीन में सबसे पहले एग्जाम की खोज हुई थी। 605 ईस्वी में सुई राजवंश द्वारा सबसे पहले उम्र के बजाय योग्यता के आधार पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, तभी से एग्जाम की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसके बाद किंग राजवंश ने 1905 में 1300 साल बाद इस पदवी को समाप्त कर दिया था। लेकिन चीन में ही एग्जाम की शुरुआत हुई थी और चीन में ही एग्जाम की पद्धति को समाप्त कर दिया। तब तक दुनिया में ये पद्धति काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। उस वक्त इंग्लैंड में 1806 में महामहिम की सिविल सेवा के लिए इस एग्जाम व्यवस्था को अपना लिया गया था और उसी के बाद इस व्यवस्था को शिक्षा के लिए भी लागू कर दिया था। यदि हम आधुनिक एग्जाम की बात की जाए, जो अभी मॉडर्न एग्जाम दे रहे हैं, उसकी शुरुआत हेनरी फिशेल ने की थी। लेकिन सबसे पहले एग्जाम की शुरुआत चीन से हुई थी। सुई राजवंश द्वारा सबसे पहले उम्र के बजाय योग्यता के आधार पर चयन की प्रक्रिया अपनाई गई थी।